अच्छा आप तो हट गए, यहाँ पहले लाइनें चल रही हैं, पहले कि मैं कब जाके देखूँगी ऐसी लाइनें। हमने यह डाल दिया क्योंकि तुम देखते हो ना जितने भी जने होते हैं उन्हें क्या चाहिए, कोई भी कहेगा सॉफ्ट लुक चाहिए, सॉफ्ट लुक चाहिए। और हम आगे नहीं जाएंगे, अगर आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, इसे क्लीन कर लेंगे और बस सिर्फ क्या करेंगे, सेट डालेंगे, सिर्फ सेट डालेंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब क्या करेंगे, अब हमें देखना है कि अगर हमने इसके हिसाब से चलना है, डार्क कलर थोड़ा आ रहा है तो हम इनमें से कोई भी डार्क कलर थोड़ा सा उठा सकते हैं, ये भी उठा सकते हैं, ये भी उठा सकते हैं, और भी कोई डार्क है, पर मैं इनमें से नहीं उठाऊंगी, मैं पर्पल उठा रही हूँ, ठीक है, सिर्फ हल्का सा आउटर कॉर्नर पे डालूंगी, ठीक है, और ब्लेंडिंग का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है हमें। अरे कलर ना ऐसे होने चाहिए, एक दूसरे में मर्ज होने चाहिए, हमें ये नहीं लगना चाहिए कि कहाँ से कौन सा कलर, कोई सामने वाला देखे तो यही नहीं पता चलना चाहिए पहले कौन सा कलर लगाया, बाद में कौन सा कलर लगाया है। और ये करेंगे मैंने डार्क डाला था लेकिन वो ना उतना अच्छा नहीं आ रहा, तो मैंने हल्का सा और लिया है और बिल्कुल सॉफ्ट हाथ से ना उसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ। तुम कुछ लोगों को ना ही अलग नहीं लगेगा क्योंकि हो चुका है। अब हम इनके उससे जाएंगे कि हमें कौन सा कलर लेना है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि अगर छोटी आंखें हैं तो हमें डार्क की तरफ नहीं जाना, लाइट की तरफ जाना है। इनकी आंखें ठीक हैं, और हमें कलर यहाँ से हमने ये थोड़ा सा टाइट करेंगे ये और हल्का सा फिर हमने ये यहाँ से हम बहुत सॉफ्ट हाथ से उठाएंगे फिर हम इसे डैप करेंगे। ऐसे ले लें क्योंकि हमने बताया ना कि कलर का ऐसा नहीं लगना चाहिए कौन से कौन सा कलर कब यूज करा है हमने, ठीक है। अगर हमें लग रहा है कि भाई आई कि और एक और चीज, तब तक हमें ये अच्छा नहीं लगेगा कलर, तब तक लाइनर नहीं लगेगा कलर ऐसे, जब लाइनर लगता है ना, लाइनर लगने के बाद इस पॉइंट से पीछे पीछे हम हाईलाइट करेंगे, ठीक है, ये यहाँ से बस इस एरिए पे। अब हमने एक साइड लिया है और इधर कुछ नहीं था, इधर प्लान था, पर फिर भी हम इसे वो करके और इसे ब्लेंड कर देंगे, लाइन नहीं दिखनी चाहिए। कलर आ गया, ये वाला पॉइंट उठाया है और हमने ब्लेंडिंग स्टार्ट। ये डार्क आ रहा है इधर, मैंने बताया था ये वाला पॉइंट उठाना है, यहाँ से पकड़ा और ये इस तरीके से
कलर देख रहे हो तुम, फिनिशिंग। ठीक है। पिगमेंट का बहुत ध्यान रखना, जितना पिगमेंट वो होगा बारीक, ये प्रोडक्ट है वो निकल गया। और यहाँ पे हम ब्रश को ऐसे डाउन कर लेंगे, ठीक है, ऐसे डाउन करेंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे। अगर ऐसे लगाओगे आ गया तो ये यहाँ पे मोटा हो जाएगा, और यहाँ से लगाओगे तो एकदम सेफ। और यहाँ पे हल्की सी, ठीक है ये, और वापस से और जब हमें टेल बनानी होगी तो बिल्कुल ब्रश अनलोड कर लेंगे और खाली ब्रश ऐसे चलाएंगे टेल बनाने के लिए। देखिए अगर हमें मोटा करना है तो क्या करेंगे, बिल्कुल हल्का सा आधा ब्रश इसके ऊपर रखेंगे और आधा ब्रश बाहर रखेंगे, तो उससे क्या होगा, बन गई टेल, बन गई। और अब हम इसे करा, और फिर हमने आंखें नीचे ही रखवाएंगे उनकी, और ये ऊपर की तरफ। ये हमने ली और ये यहाँ से पकड़ेंगे बीच में से, और दो से तीन को छोड़ के और यहाँ रख देंगे, और इसे आगे के तीन से चार बाल ना छोड़ेंगे, फिर लगाएंगे, फिर आँख खोलेंगे। आँख खोलो, देखेंगे कि गैप है तो क्या करेंगे, ऊपर देखो और इसे प्रेस कर देंगे, और इसे यहाँ से क्लियर। लाओ अभी दिखाते हैं हम तुम्हें प्रैक्टिकल, यही तो है, ठीक है। और ऐसे भी हम कर सकते हैं कि जिसके किसी के पोर्स हैं तो उतने पे बस ये वाला एरिया वो लगाएंगे, बाकी का जेल प्राइमर लगाएंगे थोड़े थोड़े पीछे, ठीक है। ऐसे सिर्फ ऐसे पूरे हाथ नहीं रगड़ेंगे, सिर्फ दो उंगली से, बहुत जितनी अच्छी से स्किन की प्रिपरेशन करोगे उतना अच्छा तुम्हारा मेकअप। बहुत सॉफ्ट हाथ से मैं कर रही हूँ, बहुत सॉफ्ट ये है, जितना सॉफ्ट होगा उतना ही अच्छा वर्क करेगा, ठीक है। यहाँ पे हल्की सी जेब लगाएंगे, हाँ ये वाला कवर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, इधर भी, ठीक है।
देखो जैसा भी ये सपोर्ट कर रही है ऐसे क्लाइंट को, ये चीज़ें हर किसी को नहीं, ये सब चीज़ें एकदम कवर होनी चाहिए। ठीक है, किस किस को क्लास अच्छी लग रही है आज की? सबको अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है? शांत हो तुम? से हाँ शांत हो, शांत है। हाँ तुम शांत हो, मतलब नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे, तुम शांत हो, मतलब तुम लोग शांत हो तो देखो कितनी सारी चीजें आज एहरदन कवर नहीं कर रहे हैं इनके, लास्ट में करूंगी। कलर फेयर हुआ? यस, उस वाली साइड देख ली। पर धीरे धीरे लाएंगे, एक बार में नहीं लाएंगे। ठीक है, दूसरे वाले दीदी को डरा ही दिया, इनके अंदर गुंडा ही समझ। ऐसी नजर हो किसी किसी की, नजर पीछे की, नजर तो तोड़ता रहेगी भाई। तुम नहीं तो मैं राखी से ठीक नहीं। ऑर्डरिंग भी इतनी अच्छे से होगी, उतना ही लॉन्ग टाइम चलेगा तुम्हारा। किसकी? कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, होने दो। पानी पिलाओ, पानी लाओ, जूस वूस सही है, दो गिलास जूस ले आओ। हाँ ऐसी बन जाता है, ऐसे कर कर ऐसे बहुत सॉफ्ट हाथ चला रही हूँ और उसे बना। अबे और इसे लॉक जरूर करना, ऐसे नहीं छोड़ना। वही तो बात है, नहीं मैंने लॉक नहीं की थी ना, वो इक्वल नहीं लग रही, मतलब क्या सो लग रही इक्वल। अरे सो नहीं, हां वो पता है, ये नाक का नीचे वो। ठीक है बेटा, नेट भी कर दो बस, ए ना चुप, ये भी तो यही है, मजा पाउट बनवाओ, पाउट अब देखो इन्होंने पाउट बनाया, ये इनकी लाइन बन गई, तो इसे क्या करना, ये वाला बस वैसा। ठीक है, और किसी का ये उभरा हुआ है तो यहाँ पे भी मारेंगे, और दबा हुआ है तो नहीं करेंगे, जैसे तुम्हारा उभरा हुआ है यहाँ पे हम डार्क करेंगे इनका भी। ठीक है, जो लाइन को ये यहाँ से ये करा और ये यहाँ से ये और ये ऐसे, और इसी में किसी का थोड़ा उभरा हुआ होगा तो उसे थोड़े से और ऊपर से कट कर देंगे। पूरा मेकअप कंट्रोल
शुरू से इतनी अच्छी स्टार्टिंग करी कंट्रोल पा कर मिटेड हो गई तो बाल ऐसे एक लंबा भी हो जाए कभी एक मुंह हो जाएगा एक तुम एक्सपर्ट हो ही ना भी हो जाने दो ब्लेंड करनी है दूसरे का मर्च ठीक अब नोज पे भी चल रहा है पहले नहीं चल रहा था सबसे पहले चल रहा था ठीक है ये स्माइल करके और उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे सॉफ्ट बस यहाँ पे करेंगे ठीक है इसमें से ना हम कुछ एरिया ऐसा लाइट है तो जहां लाइट की है तो वहां पे हम फिंगर टच करेंगे और यहाँ पे सिर्फ इस वाले एरिया में ठीक है यहाँ पे ऊपर देखो अब हम इसमें से एक डार्क कलर उठाएंगे ये भी उठा सकते हैं ये भी उठा सकते हैं ये उठा सकते हैं ठीक है और मैं ये वाला उठा रही हूँ ब्लैक और ये कहाँ करेंगे हम सिर्फ यहाँ शेड देख रहे हो कितना प्यारा है कितना प्यारा शेड आया अंजलि अच्छा वो तो फिर वो बेसिक वाला है हाँ मैं जब ही कह रही हूँ ना एक बार आके बात करोगे तो ना ज्यादा सही रहेगा ठीक है क्योंकि फिर मैं उसी हिसाब से उसे लेके चलूंगी